जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ साथ हम करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये चीज़ ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बता दूँ कि आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है आपको मैं बता देता हूँ SSC की। वो आप लोग जो 25 मार्च को वैकेंसी आने वाली है SSC GD की, उसमें आपको एज को लेकर आपको एक विचार किया जा रहा है कि एज में छूट देने की वहाँ पर मतलब विचार हो रहे हैं, लेकिन अभी ये फाइनल हुआ नहीं है। बस इस पे केवल विचार ही हो रहा है कि इसमें लोगों को एज में छूट दिया जाए। अब ये 1 साल की छूट दिया जाएगा कि 2 साल की छूट दिया जाएगा, एज की काउंटिंग कहाँ से ली जाएगी ये नहीं पता है। लेकिन जो अभी फिलहाल आज की अपडेट है वो यही बात चली है आपके भर्ती बोर्ड में कि आप लोगों को जो एज में है छूट दिया जाए COVID-19 की वजह से। ठीक है, तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है। जिनकी जो ओवर एज हो रहे थे उनको मौका मिल सकता है, लेकिन ये कितना मिल सकता है अभी इसको कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो फिलहाल अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि एज में छूट मिल सकती है नहीं मिल सकती है, लेकिन फिलहाल बात हो रही है, तो बात हो रही है तो होने का मतलब ये है कि आपको दिया ही जाएगा। तो 90% है कि आप लोगों को एज में छूट कम से कम 1 साल का तो मिल ही जाएगा। ठीक है, 1 साल की आपकी छूट मिल जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि आपकी एज खत्म हो रही थी तो आपके लिए अच्छा सा मौका है। तो हाथ से बंद जाने दीजिएगा, और 25 तारीख को नोटिफिकेशन आ रहा है तो उस पर वीडियो आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा जो नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल जो भी हमारे पास नोटिफिकेशन था, जो भी इन्फॉर्मेशन था, मैं आप लोगों को बस बता दिया। फिर जैसे तुमने देखी, मैं जैसा भी था मैं आपको वीडियो बना दिया कि जैसे कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन मिली, किसी तरह से मिला, ये मत सोचिए कौन बताया क्या किया है, जैसा भी मिला मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।